शाहरुख खान की पत्नी और फिल्म प्रोड्यूसर गौरी खान के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हुई है। मुंबई के एक व्यवसायी ने प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में गौरी खान समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तुलसियानी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के CMD और MD समेत गौरी खान के खिलाफ गैर जमानती धारा 409 के तहत FIR दर्ज कराई। गौरी खान तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर थी और उनकी प्रॉपर्टी के लिए कई विज्ञापन कर चुकी हैं। मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने दावा किया कि गौरी खान का विज्ञापन देखने के बाद लखनऊ के तुलसियानी गोल्फ व्यू में 2015 में एक फ्लैट खरीदा गया। जसवंत शाह के मुताबिक वो अपने फ्लैट के लिए कंपनी को अब तक 86 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी फ्लैट का पोजेशन उन्हें नहीं मिला बल्कि किसी और को दे दिया गया। शिकायतकर्ता ने गौरी खान और तुलसियानी ग्रुप के अधिकारियों पर पैसे हड़पने और धोखाधड़ी के आरोप में लखनऊ में FIR दर्ज की है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। इंदौर में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया की दूसरी पारी भी सिर्फ 163 रन के स्कोर पर ही खत्म हो गई। दूसरी पारी के आधार पर टीम इंडिया के पास सिर्फ 75 रनों की लीड है, यानी कि मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 76 रन चाहिए। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नहीं चले और पूरी टीम कल के स्कोर में सिर्फ 41 रन जोड़कर पवेलियन लौट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रनों पर सिमट गई। दूसरे दिन भारत की ओर रविचंद्र अश्विन और उमेश यादव ने 3-3 विकेट झटके। दूसरी पारी में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक के बाद एक दिग्गज बल्लेबाज अपने विकेट गवाते रहे। सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना कर पाए और 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लियोन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट चटकाए। कल मैच का तीसरा दिन है और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन चाहिए, जबकि भारत को ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट चटकाने होंगे। न्यूयॉर्क के बफलो इलाके में एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इसी दौरान वहां आग की वजह से तेज लपटों से घिरी इमारत का ढांचा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक फायर फाइटर की भी मौत हो गई। बफलो में यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। कमर्शियल बिल्डिंग से आग की तेज लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। आग लगने के कुछ देर बाद ही एक फायर फाइटर आग में लापता हो गया। देखते ही देखते आग ने इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और वहां धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, तभी अचानक इमारत का एक हिस्सा धराशाही हो गया और उसके बाद वहां तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ ही मलबे से उठ रहा गुबार और आग सड़क तक आ गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद फायर फाइटर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला और छिड़काव करने वाले पाइप पर भी उनका काबू नहीं रहा। तस्वीरों में रेस्क्यू टीम गुबार में घिरी हुई दिखाई दी। बताया गया कि इमारत के पास मरम्मत का काम चल रहा था, हालांकि आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही। देश के राजनीतिक दलों को वर्ष 2021-22 के दौरान चंदे के तौर पर हजारों करोड़ों रुपए की आय हुई है। ये जानकारी राजनीतिक दलों के आंकड़े जुटाने वाली संस्था ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने साझा की है। ADR के मुताबिक वर्ष 2021-22 के दौरान देश के 8 राष्ट्रीय दलों को 3,290 करोड़ रुपए की आय हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 1,917 करोड़ रुपए का चंदा अकेले BJP को मिला है। चंदा पाने वाली पार्टियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 546 करोड़ रुपए मिले। 541 करोड़ रुपए की आय के साथ कांग्रेस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जबकि CPM 162 करोड़ रुपए के चंदे के साथ लिस्ट में चौथे पायदान पर है। पांचवें नंबर पर शरद पवार की NCP है, जिसे वर्ष 2021-22 में 75 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। 43 करोड़ रुपए की कमाई के साथ मायावती की BSP छठे नंबर पर है। वहीं सातवें पायदान पर CPI है, जिसे सिर्फ 3 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और आठवें नंबर पर नेशनल पीपल्स पार्टी रही, जिसे वर्ष 2021-22 में महज 47 लाख रुपए का चंदा मिला है। ग्रीस में बड़े रेल हादसे के बाद रेस्क्यू का काम जारी है। ग्रीस के लारिसा में रेल हादसे में हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं।
नासा ने अपने क्रूसिक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग की। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से चार अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजा गया। चारों अंतरिक्ष यात्री अगले 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। मलेशिया के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। जोहोर शहर में बाढ़ में बहने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं फिलहाल शहर के 26,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। ब्रिटेन के साथ टैंक डील के बाद यूक्रेनी सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन में टैंक चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया था। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। कुछ दिन पहले तक पीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा सामने करने की जिद पर अड़ी पार्टी इस मुद्दे पर अचानक से पीछे हटती दिखी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के 70वें जन्मदिन के मौके पर एक मंच पर जब विपक्ष के कई नेता मौजूद थे, उन्होंने विपक्षी एकता पर पार्टी का नजरिया सामने रखा। ऑल लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टीज मस्ट कम टुगेदर इन दिस फाइट अगेंस्ट द डिविसिव फोर्सेस। खड़गे जब बोल रहे थे तब दक्षिण भारत के कुछ दलों के प्रतिनिधियों के साथ ही फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव भी मंच पर थे। खड़गे ने लगे हाथ पीएम पद के चेहरे को लेकर भी कांग्रेस के नए नजरिए से वहां मौजूद लोगों को वाकिफ कराया। फारूक साहब, आई एम टेलिंग वी आर नॉट टेलिंग दैट हु विल लीड और हु इज नॉट गोइंग टू लीड, इट इज नॉट द क्वेश्चन। वी वांट टू फाइट टुगेदर यूनाइटेडली। मंच पर बैठे लोगों ने तालियां बजाकर तो फारूक अब्दुल्ला हाथों के संकेत से इस बयान पर एकजुटता का संदेश देते दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अपने भाषण के दौरान फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर विपक्षी एकता की बात की तो इसकी वजह थी, असल में इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम ले लिया और वो मुद्दे उठाए जो विपक्षी एकता में अड़चन माने जाते रहे। Let us forget who is going to become the Prime Minister. Let us first win the election, then think who is going to become the Prime Minister. इसके बाद एक बार फिर विपक्षी एकता के लिए उनकी जुबा पर उम्मीद भरे लहजे में खड़गे का नाम आया। हालांकि उन्होंने इसे जनता की उम्मीदों से जोड़ा। Hare sahab, they look to Congress. Your yatra started from Kanyakumari, landed in Srinagar when it was snowy. हालांकि स्टालिन के जन्मदिन के बहाने विपक्ष की एकजुटता की जो आवाज उठी, मंच से उतरने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने उसे अच्छी शुरुआत बताया और फिर दोहराया कि चुनावी नतीजों के बाद ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर बात होनी चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे होंगे। कमेटी के अन्य सदस्यों में KV कामत, OP भट्ट, रिटायर्ड जस्टिस JP देवधर, नंदन नीलेकणी, सोम शेखर सुंदरेशन शामिल हैं। एक्सपर्ट कमेटी बनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया और ये लिखा कि इस फैसले के बाद ये मामला तय समय में एक नतीजे पर पहुंचेगा और सत्य की जीत होगी। आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने फरवरी की शुरुआत में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बीते 2-3 कारोबारी दिनों में अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर में तेजी भी देखी जा रही है।